सबसे पहले तो जो उन्होंने कास्ट सिस्टम और वर्ण सिस्टम को डिमोलिश करने की बात कही, महात्मा गांधी साहब कहते थे कि वर्ण सिस्टम रहना चाहिए, कास्ट सिस्टम जाना चाहिए, लेकिन अंबेडकर साहब कहते थे कि वर्ण सिस्टम से ही कास्ट सिस्टम बनता है, जब तक वर्ण सिस्टम नहीं जाएगा तब तक कास्ट सिस्टम नहीं जा सकता, तो दोनों को डिमोलिश करना जरूरी है। ये सोच उस जमाने में, और मेरा ये मानना है और आप सभी लोग जानते हैं कि जो जीनियस लोग होते हैं वो अपने समय से बहुत 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 आगे होते हैं, और उस समय लोगों, उस समय के जो लोग होते हैं उन लोगों को, उन जीनियस लोगों के विचारों को समझ पाना शायद संभव नहीं होता, और यही बात अंबेडकर साहब पे भी लागू है। वो पॉलिटिकल साइंस के भी जीनियस थे, वो इकोनॉमिक्स के भी जीनियस थे, सोशल इंजीनियर भी थे और साथ में अधिवक्ता भी थे। इन सारी खूबियों के साथ में उन्होंने जो समाज में नई नई चीज़ों को लाने के लिए जो कार्य किए वो लोगों के सामने आते ही नहीं। ये जो सबसे बड़ा एक मैंने आपको बताया, उसके बाद में जो सेकेंड उनका जो सबसे बड़ा योगदान रहा भारतवर्ष में, वो रहा महिला उत्थान को लेके। महिलाओं को उस समय कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, उन्होंने हिंदू सिविल कोड लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू साहब से बहुत आग्रह भी किया और उनके साथ में बहुत लड़ाई भी की। 1951-52 में ये डिसाइड हो गया कि हिंदू, वो तो एक्चुअली जहाँ तक मुझे पता है वो तो यूनिफाइड सिविल कोड लाना चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि यूनिफाइड कोड की बाद में बात करेंगे, हम पहले सिविल कोड की बात करते हैं, हिंदू सिविल कोड की बात करते हैं। तो 1951-52 में ये सिविल कोड लाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन फिर उसको टाल दिया गया और नेहरू साहब ने कहा कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन पीरियड में हम नहीं लाएंगे, उसके बाद में इसको सोचा जाएगा। इस चीज़ से नाराज होकर अम्बेडकर साहब ने उनकी पार्लियामेंट, उनके मिनिस्टरशिप से रिजाइन कर दिया। वो उसके बाद में 1956 तक सांसद तो रहे लेकिन मंत्री नहीं रहे, लेकिन इलेक्शन के इमीडिएट बाद में, कांग्रेस गवर्नमेंट के आने के बाद में हिंदू सिविल कोड लाया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, और उसकी वजह से हमारी महिलाओं को सारे अधिकार जो मिले, ये भी उन्हीं की सौगात थी भारतवर्ष की महिलाओं को। इसके चूंकि अंबेडकर साहब बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी थे, उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए सबसे पहले बीड़ा उठाया, एग्रीकल्चर पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, किसानों को कैसे अधिकार मिलने चाहिए, जमींदारी प्रथा कैसे खत्म होनी चाहिए, इस बारे में भी उन्होंने, वो अपने समय में बिल भी लाए, उसको पास कराने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे आपको पता है कि हमारा सिस्टम कैसे चलता है, वो आज तक भी ठीक से इम्प्लीमेंट वो नहीं हो पाया है। उसके अलावा जो उनका कहना था कि भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, लेकिन उसमें भी उनका सरकार के साथ में, सरकार ये तो मानती थी उस समय की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन फास्ट होना चाहिए, लेकिन वो चाहते थे कि प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनके थ्रू फास्ट होना चाहिए, और अंबेडकर साहब का मानना था कि प्राइवेट प्लेयर्स नहीं, सरकार के थ्रू होना चाहिए, क्योंकि उसका अधिक से अधिक फायदा लोगों को मिले। अब हम जो देखते हैं, जो ये खाई अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान के 5% लोगों के पास में 95% वेल्थ है और बाकी 95% लोगों के पास में 5% वेल्थ है, उसका रीज़न यही है जो आज की समस्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ लेकिन प्राइवेट पार्टनर से हुआ, अगर वही गवर्नमेंट करती तो शायद ये खाई उतनी चौड़ी ना होती। उसके अलावा बस एक बात और कहना चाहूँगा कि जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट था, जो भाटा नगर डैम था, उसका भी सपना सबसे पहले अम्बेडकर साहब ने ही देखा, जिसका क्रेडिट बाद में जाके और लोगों को मिला। तो मेरा ये मानना है अम्बेडकर साहब समय से बहुत आगे थे और उन्होंने जो सोचा उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की, जहाँ पे किसी ने उनके विचारों को नहीं सुना तो उन्होंने पद को त्याग करने में भी एक मिनट नहीं लगाया और उसके बारे में सोचा नहीं, और मंत्रीशिप से, जो मतलब मिनिस्टरशिप से उन्होंने रिजाइन करके उन्होंने सांसद रहना ठीक समझा, लेकिन अपने विचारों से समझौता नहीं किया। सिर्फ 65 ईयर्स वो जिंदा रहे और उस बीच में उन्होंने जो भारत को योगदान दिया उसके लिए भारत हमेशा उनका कृतार्थ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।